हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर। बीए थर्ड सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, जिनका ये मेजर पेपर है, या फिर बीए बीएससी और बीकॉम में जिनका ये माइनर है। देखिए, बीए वालों के लिए ये मेजर या माइनर दोनों हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स माइनर में पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेजर में भी पढ़ते हैं। और बीएससी या बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए ये माइनर होगा, क्योंकि उनका बीएससी या बीकॉम का जो मेजर पेपर होता है वो दूसरा होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिनका भी सोशियोलॉजी है, चाहे मेजर में या माइनर में थर्ड सेमेस्टर में, जिसका टाइटल है सोशल चेंजेस एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, यानी कि सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं इसी का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। ये पिछली साल का मॉडल पेपर है, जो 2022-23 में परीक्षा हुई थी। और जो भी स्टूडेंट्स इस बार परीक्षा देने वाले हैं 2023-24 में, तो उनके लिए ये मॉडल पेपर बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सेक्शन ए होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और उन 10 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है छोड़ने का इसमें। और सभी प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में देने होते हैं और एक उत्तर को लिखने पर आपको 2 अंक मिलेंगे। तो 10 प्रश्नों के 2-2 अंक, यानी आपको पूरे 20 अंक मिलेंगे 10 प्रश्नों को लिखने पर। तो चलो देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न देखो, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। ये आपका एक सॉल्व मॉडल पेपर है और सामाजिक परिवर्तन क्या है ये मैंने करवा दिया है, तो ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोड है। अब देखो अगला है क्रांति क्या है। क्रांति भी बड़ा महत्वपूर्ण है और वेरी शॉर्ट में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखो, बीए थर्ड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी का जो नया सिलेबस है ना, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, तो उसकी 1 से लेकर 8 तक की सभी यूनिट्स मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। सभी का नोट्स चैनल पर अपलोड है, डिटेल वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी। अब देखिए अगला है सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, तो इस पर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की है। अगला है बहुत महत्वपूर्ण है स्थानीयकरण क्या है, तो स्थानीयकरण क्या है तैयार कीजिएगा। अगला देखिए, अगला है सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। देखिए, मैंने मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी में, उस पर भी वीडियो अपलोड की है, तो उसमें मैंने सब बताया हुआ है बुक्स के जो भी राइटर्स हैं उनके बारे में, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अगला है श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन क्या है, तो इस आंदोलन के बारे में तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल पर विजिट करके अपने सोशियोलॉजी की तैयारी एकदम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए पूरी वीडियोस भी अपलोडेड हैं यूनिट्स की, और साथ ही साथ लगातार मॉडल पेपर भी बताती रहती हूँ, और छोटे छोटे जो प्रश्न और उत्तर होते हैं ना, उत्तर की भी वीडियोज अपलोड करती हूँ। तो आप मेरे चैनल पर से अपने सोशियोलॉजी की तैयारी पूरी एकदम अच्छी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने सभी सब्जेक्ट की भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराती हूँ और क्लास भी कराती हूँ। अगला है MSA राव के अनुसार सामाजिक आंदोलन के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, तो सामाजिक आंदोलन के जो भी प्रकार हैं सब मैंने करवा दिया है। अगला है कृषक आंदोलन क्या है, तो कृषक आंदोलन भी करवा दिया है, सभी आपके सिलेबस में है, सब कुछ कंप्लीट करवा रखा है मैंने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है श्रमिक आंदोलन क्या है, तो इस पर भी आपको वीडियो मिलेगी। अगला देखो, सापेक्ष अभाव बोध सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत को तैयार करिएगा, सिद्धांत पेपर में अक्सर आते हैं। अब देखो, सेक्शन बी होगा, खंड ब होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, और लघु उत्तरीय प्रश्न में 8 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना होता है। तो देखो अब अति लघु, तो अब देखो लघु के देखो कितने कौन कौन से प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं और लघु में पूछे जाएंगे। देखो, सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषता ये जरूर पूछेगा, आप इसको एकदम रट लीजिएगा, इसकी विशेषता एकदम जरूर पूछेगा, और सब कुछ मैंने करवा दिया है, विशेषता जरूर आएगा आपके एग्जाम में। अगला है सामाजिक प्रगति को परिभाषित कीजिए, ये भी जरूर आएगा, क्योंकि देखिए ये जो चीजें होती है ना, ये सारे जो टॉपिक है ना आपके सिलेबस के, ये सारे महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षा में जरूर आते हैं। ये कभी मत सोचिएगा कि एक बार पूछ दिया एग्जाम में पिछली बार, तो आपसे नहीं पूछ सकता, आपसे भी पूछ सकता है, तो इसलिए ये सोच आप एकदम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब देखिए अगला है सामाजिक उद्विकास तथा प्रगति में क्या अंतर है, तो इनके बीच जो अंतर है वो भी मैंने करवा दिया है, तो वीडियो अपलोडेड है, मैं सब आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला देखो, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है, ये आपके लघु में या दीर्घ में किसी में भी पूछ सकता है, दीर्घ में भी पूछ सकता है,
तो इसलिए इसको लंबा तैयार कीजिएगा। और देखिए चक्र ये सिद्धांत जो है ना सामाजिक परिवर्तन के, तो जितने भी विद्वानों के अलग अलग सिद्धांत है, सभी विद्वानों के सिद्धांत को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। तो आप एक ही वीडियो में सब पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने सब समझा दिया है एकदम अच्छे से, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला देखो, आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आधुनिकीकरण ये भी मैंने करवा दिया है। अगला है सामाजिक आंदोलन की व्याख्या कीजिए। सामाजिक आंदोलन क्या है, तो सामाजिक आंदोलन की व्याख्या भी पूछ सकता है, सामाजिक आंदोलन के विशेषता भी पूछ सकता है। तो सब कुछ ऑलरेडी कंप्लीटेड है, चैनल पर सब वीडियो अपलोडेड है। अगला प्रश्न देखिए, संसाधन लामबंदी सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। अब देखो अगला है क्रांतिकारी आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्रांतिकारी आंदोलन भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो अगला है भारत में प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये महत्वपूर्ण है, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। जो पर्यावरणीय आंदोलन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आ जाओ सेक्शन सी में। सेक्शन सी होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें चार प्रश्न दिए जाएंगे आपको, और आपसे कहा जाएगा किन्हीं भी दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए उन चार प्रश्नों में से। और एक प्रश्न का उत्तर लिखने पर 10 नंबर मिलेंगे, तो दो प्रश्न लिखने पर 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होगा, क्योंकि ये आपका दीर्घ है, लॉन्ग आंसर आपको लिखना होगा 500 शब्दों में। आप देखिए इसमें जो मैं दीर्घ प्रश्न बता रही हूँ उनको आप तैयार कर लेंगे, तो बस आप समझिए कि आपके पेपर की 80% से लेकर 85% तक तैयारी हो जाएगी। देखिए संस्कृतिकरण से क्या आशय है, भारतीय समाज पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, संस्कृतिकरण वाला टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, तैयार कीजिएगा। पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, आप चाहे लघु में पूछे, दीर्घ में पूछे, अति लघु में पूछे, पूछेगा तो जरूर। अगला है सामाजिक उद्विकास से आप क्या समझते हैं, सामाजिक उद्विकास के विभिन्न स्तरों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। देखिए सामाजिक उद्विकास क्या है, इस पर भी वीडियो अपलोड है, सारे टॉपिक पे ही वीडियो अपलोड है। और जो सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत है ना अलग अलग विद्वानों के, उसको भी मैंने करवा दिया है। तो सिद्धांत में कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है सामाजिक आंदोलन के प्रादुर्भाव से संबंधित संरचनात्मक प्रयाकरात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसको भी तैयार करिएगा। अगला है समाज सुधार आंदोलन क्या है, भारत में 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलनों की विवेचना कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो सेक्शन बी ए बी एंड सी के प्रश्न बताए हैं, आप इनको तैयार कर लेंगे, बस इस मॉडल पेपर के प्रश्न तैयार कर लीजिए। अभी तक आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है, कुछ भी नहीं, तो आप बस इतने प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, एग्जाम की 80-85% तैयारी हो जाएगी। और सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट की लिंक पर जरूर विजिट कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।